बहुत सारी बातें सुनी हैं और अब मैं सोच रही हूँ कि जब सलेहा आई थी तो उसने काफ़ी सारी चीज़ें मुंबई के बारे में बता दी है और मैं भी मुंबई से आई हूँ और जो मुझे नाम दिया गया है जो मेरा सेशन का है टॉयलेट नहीं है प्रेम कथा। कितने लोगों ने टॉयलेट एक प्रेम कथा सिनेमा देखा है? बाप रे, इसीलिए शायद वो सुपर डुपर हिट हुई है। कितने लोगों को अपने बस्तियों में या आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे औरतों के लिए पेशाब घर है ये पता है? यूरिनल्स जिसे इंग्लिश में कहते हैं, मराठी में मुतारी कहते हैं, कितने लोगों को पता है? काश कि टॉयलेट एक प्रेम कथा के तरह आपने इसके बारे में भी सब लोगों ने हाथ ऊपर किया होता तो अच्छा लगा होता। कोई बात नहीं, हर एक सवाल हर एक मुद्दे की शुरुआत ऐसे ही होती है। तो वैसे ही राइट टू पी के बारे में पता है? राइट टू पी के बारे में सुना है? क्या होगा कोई बता सकता? जिन लोगों एक दो हाथ जो ऊपर हुए हैं, क्योंकि ना मुझे ऐसे अकेले खड़े रह के बात करने में थोड़ी सी दिक्कत है तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम ऐसे बात करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। नहीं सुना, ये मुझे और अनकंफर्टेबल करने के लिए बोल रहे। जी जी बिल्कुल, उसी के लिए आई हूँ सर, शुक्रिया। तो राइट टू पी के बारे में अगर सुनना है या जानना है तो हमें ये देखना होगा कि हम जहाँ पे हैं पब्लिक टॉयलेट जाते हैं आप? सुलभ इंटरनेशनल संस्था है, उन्होंने कहा जाना ही पड़ता है। लेकिन जब वहाँ पे जाते हैं तो कितने लोगों ने ये देखा है कि वहाँ पे औरतों के लिए फ्री यूरिनल्स है? मर्दों के लिए तो है, अब उनका आवाज़ शायद और ज़्यादा आ जाए, है ना? मर्दों के लिए यूरिनल्स है ना, फ्री में है कि पैसे देते हो? पेशाब के लिए पैसे देते हो आप? एक रुपया देते? चलो एक आवाज़ आई, आप भी देते हो? अच्छा जी, पेट हल्का करने के लिए 2 रुपया। मुंबई में 2 रुपये से 30 रुपया देना पड़ता है औरतों को पेशाब के लिए। इसी के लिए ये कैंपेन शुरू हुई थी। मैं जिस संगठन से जुड़ी हुई हूँ, कोरो इंडिया उसका नाम है, और अलग अलग हमारे प्रोग्राम चलते हैं, उसमें से ग्रास रूट लीडरशिप का एक प्रोग्राम है जिससे उभर कर ये कैंपेन आई थी। और अभी पिछले 7 सालों में महिलाओं के लिए पब्लिक जगहों पे फ्री क्लीन सेफ यूरिनल्स होने चाहिए, इसके लिए हम काम करते हैं। और अभी आगे जाके शुक्रिया, जो कम्युनिटी टॉयलेट है उनको हमने फोकस किया। जैसे सलाह ने सुबह कहा कि उसने 20 टॉयलेट कहे, एक्चुअली वो 20 टॉयलेट नहीं है, 20 टॉयलेट सीट है। 2000 घरों के लिए अगर एक घरों में हम 5 लोग भी मिनिमम अगर पकड़ते हैं तो इतने लोग टॉयलेट पे जाते। जो हमारे सरकार का नॉर्म है वो है कि 50 से 60 लोगों ने एक टॉयलेट सीट यूज़ करनी चाहिए। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि उस 20 टॉयलेट सीट पे लोग कितने लोग यूज़ करते होंगे। तो जो हमारा हमने जो स्टडी किया था उसमें था कि 1200 से 1500 लोग रोज़ एक टॉयलेट सीट यूज़ करते हैं। और फिर सफाई तो वहाँ पे सवाल ही नहीं है, पानी नहीं है, सेफ्टी नहीं है। और यही जब हमने काम की शुरुआत की थी तो मुंबई में 2849 फ्री यूरिनल्स मर्दों के लिए थे 2011 में, और औरतों के लिए यही जब आंकड़ा हमने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत मांगा था तो ये था 0। अब हमेशा से सवाल आता है कि टॉयलेट तो है तो फिर अलग से यूरिनल्स क्यों? यही सवाल हमें भी पूछा गया था कि औरतों को अलग से यूरिनल्स बांधने की क्या ज़रूरत है। हमें ये भी कहा गया था कि लो अब ये औरतें जो है विमेन एम्पावरमेंट के नाम पे कुछ भी मांगने चली है। अभी तक तो था कि महिलाओं पे अत्याचार होता है, फिर तो था कि क्या कहते हैं उसको, विमेन एम्पावरमेंट में आर्थिक हक भी मिलने चाहिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात भी कर रहे थे, प्रॉपर्टी राइट्स की भी बात कर रहे थे, अब आ रही है मुतारी मांगने के लिए।
मैं इसलिए मुतारी शब्द कह रही हूँ क्योंकि हमें इन 7 सालों में 3 साल लगे लोगों को ये कहलाने के लिए कि हमें मुतारी चाहिए, टॉयलेट नहीं। और जब हम मुतारी कहते हैं तो लोग कहते कितना गंदा साउंड करता है ये। आप स्वच्छता गृह कहो, प्रसादन गृह कहो, टॉयलेट कहो। जब हम मराठी में एक म्हण है, कहावत है कि ताकाला जायचं आणि भांडं लपवायचं, यानी हम जा तो रहे हैं छाछ मांगने और लेकिन बर्तन जो है वो छुपा रहे। तो हमारा कहना था टॉयलेट तो मिलेगा तो अच्छी बात है, उसको हम नकार नहीं रहे, लेकिन हमारा मुद्दा है कि औरतों के लिए यूरिनल्स होने चाहिए। क्योंकि अगर आप विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हो, विमेन एम्पावरमेंट को लेकर बड़ी बड़ी योजनाएं जब आप लोगों के सामने लाते हो, तो जो बेसिक राइट है एक औरत होने की वजह से उनके बॉडी को रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसको अगर समझना है तो उनके लिए ये सुविधा होनी चाहिए। लेकिन हमें जवाब ऐसा था क्योंकि हम औरतें हैं, हमें बैठ के पेशाब करनी पड़ती है, हमें एक स्ट्रक्चर लगता है इसलिए हमें पे करना होगा, और पुरुष कहीं पे भी जाके पेशाब कर सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, तो उन्हें पैसे लेने की ज़रूरत नहीं, और अगर मांगेंगे तो भी वो देंगे नहीं। तो ये जो जेंडर बायस एटीट्यूड है उसके खिलाफ राइट टू पी काम करता है। राइट टू डिग्निटी, राइट टू मोबिलिटी, राइट टू फ्रीडम, इन सारे संवैधानिक अधिकारों की बात राइट टू पी करता है। और उसी को लेके हमारा मुंबई महानगर पालिका महाराष्ट्र सरकार के साथ एक आंदोलन चल रहा है, एक झगड़ा चल रहा है, जिसके अंदर हमारी स्ट्रैटेजी ये है कि जहाँ पे हम मिलकर काम कर सकते हैं बकायदा हम उनके साथ मिलकर काम करते हैं, और जहाँ पे उनका विरोध करना है वहाँ पे हम विरोध करते हैं। जैसे लास्ट ईयर में वर्ल्ड टॉयलेट डे होता है, पता है आपको? हाँ, जैसे वैलेंटाइन डे होता है, विमेन डे होता है, वैसे वर्ल्ड टॉयलेट डे भी होता है। और महाराष्ट्र सरकार या मुंबई महानगर पालिका अगर देखे तो हर साल पूरे जोशों में वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाते। मनाई भी क्यों ना, दिल्ली में आके 2 बार उन्होंने हगनदारी मुक्त महाराष्ट्र हुआ इसका सर्टिफिकेट जो लिया है। आप लोग कभी गए हो मुंबई? कुछ लोग तो गए होंगे। देखा है आपने रेलवे से आपने सफ़र किया है? रेलवे के दोनों बाजू में लोग खुले में बैठे होते हैं और फिर भी हम यहाँ पे आके सर्टिफिकेट लेते। अगली बार अगर महाराष्ट्र सरकार सर्टिफिकेट लेने आए ना, आप लोग विरोध करना, हम आपका सपोर्ट करेंगे। झूठे लोग हैं वो। हम हमेशा उनको इसका चैलेंज करते हैं कि महाराष्ट्र छोड़ो, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। हम मुंबई में एम ईस्ट एरिया में, जहाँ से मैं आई हूँ, जहाँ से सलाह आई थी, अगर वहाँ पे हम जाएंगे तो वहाँ पे ही खुले में लोग बैठते हैं, औरतें बैठती हैं। मुंबई का सबसे बड़ा डंपिंग ग्राउंड वहाँ पे है, आज भी वहाँ पे खुले में जाते हैं और हम सर्टिफिकेट ले रहे हैं कि हम हगनदारी मुक्त हुए। मुझे वो अंग्रेजी शब्द से थोड़ा सा वो बहुत अच्छा अच्छा लगता है, तो जो है अपनी भाषा है उसमें बात रखनी चाहिए। तो इसके खिलाफ हम काम कर रहे हैं। ये जो स्ट्रैटेजीज हमने यहाँ पे अपनाई है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ विरोध करते हैं, हमने उनके साथ बाकायदा बैठकर गाइडलाइन पे काम किया है, चेकलिस्ट पे काम किया है, क्योंकि हमें पता है कि हम कितने साल यही काम करेंगे। तो हमने कुछ ऐसी चीज़ें की, जैसे जेंडर बजट के बारे में सुना है थोड़े से, मुझे पता है कि अलग अलग शब्द हैं, लेकिन क्या करें, क्योंकि आप जैसे ही हम यूथ हैं जिन्होंने ये कैंपेन शुरू किया है, हमें भी ये सारी चीज़ें पता नहीं थे। हमें तो बहुत ऐसा इजी फंडा लग रहा था कि एक एप्लीकेशन जाके हमें देना है और उस एप्लीकेशन को लेकर लोगों को लगेगा अरे वाह, ये सवाल नहीं है, इन लोगों ने लाया आगे, चलो अब हम फ्री यूरिनल्स कर देंगे, जो कि मुंबई महानगर पालिका का सर्कुलर है 2009, 2011, 2014, 2016, मतलब जब से हम काम कर रहे हैं तभी से, हमारे कैंपेन शुरू होने से पहले से ही उनका सर्कुलर था, और शायद आपके दिल्ली गवर्नमेंट का भी होगा। हमें थोड़ा सा देखना होगा क्योंकि हमेशा हम अनदेखा करते हैं, बाहर क्या चल रहा है उसके बारे में हम ज़्यादा देखते हैं, हमारे यहाँ पे क्या चल रहा है वो देखने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो बस वो सर्कुलर को ही वो फॉलो करें, इतनी सी हमारी डिमांड थी। लेकिन जैसे जैसे अंदर हम चलते गए तो हमें दिखा कि अरे ये तो बहुत बड़ा समुंदर है, इसके अंदर अगर जाना है तो आपको जेंडर बजट समझ कर लेना होगा, इसके अंदर अगर जाना है तो टाउन प्लानिंग आपको समझ कर लेना होगा,
इसके अंदर अगर जाना है तो आपकी विमेन पॉलिसी क्या है ये समझ कर लेना होगा, और इतना ही नहीं जो टॉयलेट रन करते हैं उसको भी समझ कर लेना होगा। तो जब हम इस पूरे समुंदर के अंदर गए तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने देखी जो बदलाव के तौर पे मुझे लगता है कि यहाँ पे बताना ज़रूरी है। एक तो जेंडर बजट में इसके लिए फंड आने लगे, जो पिछले 4 सालों से कंटिन्यू राइट टू पी के वजह से जेंडर बजट में महिलाओं के लिए टॉयलेट होने चाहिए इसके लिए बजट आए हैं। महाराष्ट्र सरकार की जो विमेन पॉलिसी है उसमें पूरा चैप्टर आया है कि कैसे टॉयलेट होने चाहिए, उसमें क्या क्या, क्योंकि सुबह सुबह से मैं जैसे हम सुन रहे हैं और कल से भी मैं देख रही हूँ, बहुत बार हम अनदेखा करते हैं। मैं महिला हूँ तो मैं सिर्फ महिला के नज़र से देखूँगी, तो ऐसा ना होते हुए पूरी तरीके से हम देखें कि वहाँ पे अगर दिव्यांग लोग आते हैं तो उनके लिए क्या होना चाहिए, छोटे बच्चे आते हैं उनके लिए क्या होना चाहिए, और ऐसा एक टॉयलेट का डिज़ाइन हो जो हर एक किसी के लिए सुविधाजनक हो और आसानी से उसका इस्तेमाल करे। और अब महाराष्ट्र सरकार 7 जगहों पे प्रोटोटाइप ऐसे टॉयलेट बांधने जा रहा है खुद के पैसे से, जो अभी तक सरकार ये कह रही थी कि ये हमारा काम नहीं है, हमारी पॉलिसी है कि जिनको टॉयलेट बांधना है हम जगह देंगे, टॉयलेट बांधो रन करो और जब छोड़ के जाना है तब छोड़कर जाओ। ये बात हो रही है पब्लिक टॉयलेट की जहाँ पे हम पैसे दे के यूज़ करते हैं, उन्होंने कहा ना 2 रुपये देते हैं 1 रुपया देते हैं, तो इस पॉलिसी पे हमने काम किया है। टाउन प्लानिंग में अगर कहीं पे भी टॉयलेट बांधना हो, मानो अभी इस सेंटर के सामने खुली जगह है और आप लोगों ने डिमांड किया कि यहाँ पे टॉयलेट चाहिए, आपको परमिशन मिलेगा, मिलेगा कि नहीं? नहीं मिलेगा। कोई नहीं चाहेगा कि इतने अच्छे सेंटर के सामने टॉयलेट हो, क्योंकि टॉयलेट से गंदगी जुड़ी है, टॉयलेट से शर्म जुड़ी है। मतलब हर सुबह तो हम बिना टॉयलेट जाते हुए कहीं पे जा नहीं सकते, लेकिन जब इसी को बांधने की बात आती है तो हम सब लोग कहते हैं कि नहीं, हमारे घर के सामने, हमारे सेंटर के सामने टॉयलेट नहीं होगा। तो टाउन प्लानिंग में ये रूल हमने लाया है कि जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पे कंपलसरी टॉयलेट बांधे, और इसके लिए परमिशन जो है वो टाउन प्लानर देंगे, ना कि मुंबई महानगर पालिका देगी और ना ही कोई वहाँ पे MLAs MPs आके अपना रोप दिखाएंगे, क्योंकि टॉयलेट सम्राट लोग होते हैं, हम उन्हें टॉयलेट सम्राट कहते हैं। हर एक टॉयलेट पे पेंट यूज़ के, मुंबई का जो स्टडी है, 5,000 से लेके करीबन 25,000 रुपये तक रोज का गल्ला होता है। लेकिन वहाँ पे आप जाओगे और आप कहोगे कि मैं पेशाब के लिए जा रही हूँ तो मैं पैसे नहीं दूंगी, तो वो आपको इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, सफाई करनी पड़ती है, जो कामगार है उनके पैसे देने पड़ते हैं। और पता है वो कामगार लोगों को कितने पैसे दिए जाते हैं, कुछ अंदाज़ा होगा? 2,500 से 4,500 रुपये। आप सोचो कि हम मिनिमम वेजेस की बात करते हैं, क्योंकि राइट टू बी जो है वो सिर्फ हेल्थ से नहीं जुड़ा हुआ है, वो सिर्फ क्या कहते हैं उसको, महिलाओं से नहीं जुड़ा है, वो कास्ट, क्लास, जेंडर, सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ है। अगर हम देखेंगे जो हमारे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उसके लिए मुंबई में सिर्फ एक टॉयलेट था, अलग से सीट, हाँ एक टॉयलेट सीट थी। तो हम जब इंसान के तहत देखते हैं तो हमारे यहाँ पे अलग अलग इंसान हैं, उनके लिए सारी चीज़ें होनी चाहिए, ये कहीं पे भी नहीं आता है। ये सारी चीज़ें हमने पॉलिसी में लाने की कोशिश की है, और आगे चल के अभी के अगले इसमें हम ये देख रहे हैं कि कम्युनिटी टॉयलेट को फोकस करें, क्योंकि पब्लिक जगहों पे अभी काफ़ी अवेयरनेस है, हर एक जगह पे फ्री यूरिनल्स के बोर्ड लगे हैं और पैसे मांगे जाए तो लोग भी सवाल पूछने लगते हैं। और पहले ये सोच थी कि ये तो झोपड़पट्टी में रहने वाली औरतों का सवाल है, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं का सवाल है। अब ये सवाल अक्रॉस कास्ट, क्लास, जेंडर, सभी, मतलब अधिकारों के ऊपर बात करो तो आपको पता नहीं कौन से नामों से, अर्बन नक्सल से लेके, देशद्रोही से लेके क्या क्या कहेंगे। लेकिन अभी अक्रॉस सारे लोग कहते हैं कि ये हमारे राइट्स का मुद्दा है और ये हमें मिलना चाहिए, तो इसी के लिए हम काम करते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि हम जहाँ पे भी जाए, ग्राउंड में जाए, ये रियलिटी को देखें, ना कि स्वच्छ भारत अभियान का जो हमें चित्र दिखाई गया है वो
काफ़ी धुंधला हुआ झूठा चित्र है। हमें सबको पता है कि सच्चाई क्या है। हम अपने अपने लेवल पे काम करें और सच में हमारे भारत को स्वच्छ बनाएं, ये मैं कहूँगी, ना कि हमारे मोदी जी कहते हैं इसलिए। शुक्रिया।